परसों 11 तारीख थी, आज 13 है। मैं 11 तारीख हरिद्वार था, 9 बजे हरिद्वार के मंच पे स्टेज पे था। तो एक बाई आई, कुछ उसने रखा फल बल जो, क्या क्या है? बोले मेरे पति क्या पता क्या हुआ है, एक्सरे करा लिया, वो करा लिया, डॉक्टर बोलते कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बाबा वो पड़े हैं लेटे हुए, बोलते नहीं, खाते नहीं, खाली पानी पीते। मैं तुम और मेरे को तो जहाज में जाना था, लेकिन उसका पति ही पड़ा है। अब मैं क्या क्या करें, सेवा का मौका छोड़ के जहाज देखा जाएगा। मैं कह ले आओ उनको, दो आदमी उसको पकड़ के ले आए, उठा के मानो वो छोड़ दे तो गिर जाए। मैं क्या मेरे सामने देखो, देखा क्या नाम, बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, कंठ बंद है, गले कुछ उतरता नहीं, बीमारी क्या है पता नहीं। एक्सरे करा दिया रामकृष्ण मिशन वालों में, इधर उधर कहीं भी डॉक्टरों ने कहा कोई इलाज का पता ही नहीं चलता। अब मैंने कहा जब इलाज का पता ही नहीं चलता, कोई रोग का पता ही नहीं चलता, तो बोल देना रोग है ही नहीं। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। मैं क्या बोल दे रोग है नहीं। फिर मैंने कहा ऐसा बोल तो दिया, लेकिन फिर वो वचन सच्चा भी तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं तो बंडलबाजी से होगी ना। मैंने सोचा अब क्या करें, उसको तो बोल दिया, बोल रोग है नहीं, लेकिन फिर ऐसे ही जाए गिरे तो क्या काम होगा। तो मैंने थोड़ा ध्यान किया, अंदर से प्रेरणा मिली, संजीवनी दे दो, संजीवनी की गोलियां मेरे पास पड़ी रहती, दो संजीवनी दे दी। मैं क्या तो चबा दे, गंगा जल लाए थोड़ा पी ले, पिया। मैं क्या कुर्सी पे बिठा दो, बैठा। मैं क्या मेरे सामने देख, देखा, बोला ओम। अरे ओम बोलने, अरे ओम 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 ओम। मैं क्या खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। मैं क्या चल के चला जा, चल के चला गया। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम इंक्वायरी कर लेना। आज तेरा एक परसों 11 तारीख थी, सुबह 9 बजे की बात है। अगर मैं झूठ बोलूं तुम इंक्वायरी करना, पहले मैं मरूं फिर तुम मरना बस। तो ओ भाई जो बच्चे को यूं कर रही थी ना, वो एक गोली संजीवनी दे दे, बस हो गया काम। बच्चा है तो एक गोली, बड़ा है तो दो गोली, बस गोली अंदर बीमारी बाहर। अरे सुरेश भैया जोगी रे, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। ओए, ओए।